हम सब कुछ जानते हुए भी उस इंसान को क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? वो इंसान मेरे लिए सही नहीं है, वो हमें टाइम नहीं देता, वो हमें वैल्यू नहीं देता, वो हमारी कदर नहीं करता, वो हमसे प्यार नहीं करता है। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम सब कुछ जानते हुए भी उस इंसान को क्यों नहीं छोड़ पाते हैं। मतलब कि जो भी हमारा पार्टनर है, जो भी हमारी गर्लफ्रेंड है, जो भी हमारा बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ हम रिलेशनशिप में है, सब कुछ हम जानते हैं, वो इंसान मेरे लिए सही नहीं है, वो हमें टाइम नहीं देता, वो हमें वैल्यू नहीं देता, वो हमारी कदर नहीं करता, वो हमसे प्यार नहीं करता है, वो इंसान अच्छा नहीं है, वो चीटर है, उसके बात कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी हम उस इंसान को क्यों नहीं छोड़ पाते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा सवाल जो हर कोई इसका जवाब ढूंढ रहा है। तो आज किस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, आप भी किसी ऐसे इंसान के साथ हो, है ना, जिसको आप छोड़ना तो चाहते हो, जिससे आप अलग तो होना चाहते हो, लेकिन आप नहीं हो पा रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो फिर भी नहीं हो पा रहे हो। वो अटैचमेंट, वो लगाव आपको उस इंसान से हो गया है। अब करे तो क्या करे, मजबूरी बस हम उस इंसान के साथ हैं। तो देखो यार, इसका ना सिर्फ एक लाइन का जवाब है कि आप खुद नहीं छोड़ना चाहते हो। थोड़ा कड़वा जवाब है लेकिन सच है, क्योंकि यार कोई भी इंसान अगर कुछ भी ठान ले, कुछ भी डिसाइड कर ले मन में, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो उस चीज़ को नहीं कर सकता है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। हम मानते हैं कि आपको उस इंसान का आदत लग गया है, आपको उस इंसान का ना बहुत ही बुरा वाला अटैचमेंट आपको उससे हो गया है, उसके बिना नहीं रह पाते हो। लेकिन एक चीज़ का जवाब दो यार, आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ रह ही कैसे सकते हो जिस पे आपको ना भरोसा नहीं है, जो इंसान आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस का कदर नहीं करता है, है ना, जिसके साथ आप बस नाम के हो यार। जो आपका रिश्ता है उस इंसान के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ नाम का है, बस खोखला, उसमें कोई दम नहीं है, उसमें कोई भी वजूद नहीं है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, उसका कोई भी सच्चाई नहीं है। आप ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकते हो? आपको वो इंसान ना कभी भी अपना नहीं समझा, आपको वो इंसान ना कभी भी वो जो प्यार मिलना चाहिए, आपको आपको जो आदर मिलना चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, कभी नहीं दिया, ना दी। वो अपने लाइफ में मस्त रहता है, मस्त रहती है, किसी से बात करता है, किसी के पास जाता है, उसको जो अच्छा लगता है करता है, और आप उस इंसान के लिए आंसू बहा रहे हो, उसके लिए रो रहे हो, आप उस इंसान को समझा समझा के थक गए, फिर भी वो इंसान नहीं चेंज हुआ, तो याद रखना पूरी ज़िंदगी कभी नहीं चेंज हो गया। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जो ना ज़िंदगी में कभी नहीं बदलते हैं। ये कड़वा है लेकिन सच है। लोग कुछ ऐसे हैं जो उनको बदलते बदलते खुद बदल गए, बट वो कभी नहीं बदले, उनको सुधारते सुधारते थक गए लेकिन वो नहीं सुधरे। तो मैं तो वैसे लोगों को बेवकूफ़ समझता हूँ कि जो वैसे लोगों के पीछे पड़े क्यों हैं। बात समझ में आई? जो इंसान खुद नहीं चाहता है बदलना, जो इंसान खुद नहीं चाहता है एक अच्छा रास्ता को चुनना, जो इंसान खुद नहीं चाहता है कि वो आपके साथ रहे, आपसे प्यार करे, आपके साथ दिल से एक रिश्ता को निभाए, आप उस इंसान से ज़बरदस्ती कब तक करा सकते हो और कब तक कराओगे? ये कॉमन सेंस वाली बात है यार। थोड़ी सी मुश्किल है कि किसी इंसान का आदत जब हमें लग जाता है उसे हम नहीं छोड़ पाते हैं, मुश्किल है, बट असंभव नहीं है। याद रखना इस बात को। आप भी अगर ऐसे सिचुएशन में हो, आप भी सामने वाला इंसान को छोड़ना तो चाहते हो, उससे अलग तो होना चाहते हो, उससे दूर तो होना चाहते हो कि आप उसके साथ नहीं रहो, उससे बात नहीं करो, उसको कॉल नहीं करो, उसको मैसेज नहीं करो, क्योंकि वो सही इंसान नहीं है आपके लिए, तो आज ही इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद उसको छोड़ देना। तो रेडी हो जाओ यार, उसके बाद जो कुछ भी फेस करना होगा, जितना भी प्रॉब्लम, जितना भी तकलीफ, जितना भी अलोन होगा ना, अलोन फील होगा, अकेले हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम रेडी हैं। ये ना आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए और ये ना आपके आंखों में दिखना चाहिए कि हाँ हम रेडी हैं। लेकिन ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी कभी नहीं जियेंगे यार, किसी इंसान के पैरों में गिर के नहीं रहेंगे, किसी एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहेंगे जो हमारी कदर नहीं करता, जो हमें वैल्यू नहीं देता, जो हमें रिस्पेक्ट नहीं देता, जो सिर्फ और सिर्फ हमें आंसुओं के सिवाय से कुछ नहीं दिया है, नहीं रहेंगे हम। चाहे वो इंसान कितना भी महान क्यों ना हो, चाहे वो इंसान कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, ब्यूटीफुल हो, है ना, दुनिया का हज़ार अच्छाइयाँ उसमें क्यों ना हो, हम नहीं रहेंगे, दैट्स इट। ये चीज़ आपके अंदर से आना चाहिए, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, फिर तो आप ऐसे उस इंसान को छोड़ दोगे, आपका जो लाइफ होगा ना उसके बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज से ही उस इंसान को कॉल करना, मैसेज करना, उसको कॉन्टेक्ट करना, उसके पीछे पड़ना, उसके बारे में चर्चा करना, दोस्त यार फ्रेंड्स, है ना, चर्चा करते हो ना, जो कोई भी मिल जाए, है ना, जो लड़का लड़की कोई भी फ्रेंड आपका, उसके बारे में चर्चा कर रहे हो, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, फ़ोन पे, कॉल पे, चैट पे, आज के बाद सब कुछ बंद, दैट्स इट। जैसे दुनिया में इतने सारे लोग हैं ना, करोड़ों, वैसे वो भी है। अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपने लाइफ में क्या करता है या क्या करती है, ठीक है। उम्मीद करते कि ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितने मेरे दोस्त हैं फ्रेंड उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए, ठीक है। तो फिर आज तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर।